भारत और भारतवासियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज चांद पर भारत एक नया इतिहास लिखने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है रॉकेट वुमन। कौन है वो महिला वैज्ञानिक जो मिशन चंद्रयान को लीड कर रही हैं? वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर भारत चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 पैलोड्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस मिशन को फ्रंट से लीड करने वाली एक महिला है। जी हाँ, स्पेस साइंटिस्ट रितु करिधाल श्रीवास्तव रॉकेट वुमन नाम से मशहूर हैं। रितु के कंधों पर इस मिशन की अहम जिम्मेदारी है। रितु करिधाल चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगी। लखनऊ की रहने वाली रितु विज्ञान की दुनिया में भारतीय महिलाओं की बढ़ती धाक की मिसाल हैं। रितु इससे पहले मंगलयान मिशन में अपनी कुशलता दिखा चुकी हैं और अब रितु चंद्रयान 3 के साथ कामयाबी की एक और उड़ान भरेगी। रितु करिधाल श्रीवास्तव को ये जिम्मेदारी मंगलयान मिशन में उनकी भूमिका को देखते हुए दी गई है। रितु मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। रितु की चर्चा सबसे पहले उस समय हुई थी जब रितु ने चंद्रयान मिशन 2 में मिशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली थी। रितु करिधाल लखनऊ में ही पली बढ़ी और शुरुआती पढ़ाई भी लखनऊ से ही हुई। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से भौतिकी में MSc की। विज्ञान और अंतरिक्ष में रुचि के कारण रितु ने बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रवेश किया और फिर रितु ने इसरो में नौकरी की शुरुआत की। रितु को एरोस्पेस में विशेषज्ञता हासिल है। रितु का पूरा करियर उपलब्धियों से भरा रहा है। 2007 में रितु को यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। अलग अलग मिशन में उनकी भूमिका के कारण देश के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में उनका नाम भी शामिल है। रितु को रॉकेट वुमन भी कहा जाता है। रितु की उपलब्धियों की सूची बेहद लंबी है। रितु अपनी लगन और काम के प्रति जुनून के लिए अपने साथियों में जानी जाती है। उन्हें मास ऑर्बिट्रेटर मिशन के लिए इसरो टीम पुरस्कार, ASI टीम पुरस्कार, सोसाइटी ऑफ इंडियन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज द्वारा एरोस्पेस महिला उपलब्धि पुरस्कार हासिल हैं। और अब चंद्रयान की सफलता की गाथा देखते पूरा भारत नजर गड़ाए बैठा हुआ है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में चांद को फतह करने चंद्रयान 3 ऊंची उड़ान भरेगा। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार। We'll be right back.